गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिवीजन ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकेंड बुक ऑफ क्लास 12. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेमिंग ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन. सपोज द फर्स्ट मेम्बर ऑफ हेलो एल्केन इज CH3, CH2, Cl. So how you will call the name? This is the halogen group. Carbon number 1, carbon number 2, number will start from this side. So it will be called chloroethane. This is the IUPAC name, and general name you can say this is ethyl chloride. Ethyl chloride. Now the next example of naming CH3, CH2, CH2, Br. 1, 2, 3. This is bromopropane. 1 bromopropane you can say. 1 bromopropane. This is IUPAC name. And the common name of this is N-propyl bromide. Now the third example of this is CH3, single bond CH, single bond I, single bond CH3. आप देख रहे हैं इसमें हमें numbering उस side से करनी होगी जिधर जिस पे I लगा है और उस पर कम नंबर है. अगर आप इधर से नंबर करते हैं 1, 2, 3 और अगर इधर से नंबर करते हैं 1, 2, 3 तो दोनों ही साइड से 2 नंबर आ रहा है. सो इसका मतलब ये दोनों साइड से इसमें नंबरिंग कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स इट्स नेम विल बी 2-iodopropane. एंड अगर इसको हम कॉमन नेम बोलेंगे तो ये जो ग्रुप है क्योंकि इसमें टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगा हुआ है तो ये आइसो ग्रुप है. इसको हम बोलेंगे आइसो प्रोपाइल आयोडाइड, आइसो प्रोपाइल आयोडाइड. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा सा कठिन टफ टाइप का हो, जो कि ये तो बेसिक आपको बता रहा था मैं. फिर से देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 एंड Br. सो अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे 3 आएगा और अगर इधर से करेंगे तो 1, 2 तो इस साइड से नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4. तो आप देख रहे हैं एक कार्बन भी साइड में मिस कर रहा है तो इसका नेम होगा 2-bromo-2-methyl-butane, 2-methyl-butane. और आपको अगर इसको कॉमन नेम भी बोलना है तो आप ये कार्बन को देख रहे हैं, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये टर्शरी कार्बन हुआ. और इसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हैं तो ये होगा आपका टर्शरी पेंटाइल. 5 कार्बन की वजह से इसको पेंटाइल बोलना पड़ेगा, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड. सो स्टूडेंट्स ये तो इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं किसी भी. और अब आप रिवीजन कर रहे हैं, कल जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो आप उसमें अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप करूँगा तो आप इसके लिए रेडी रहिए, ये इस वीडियो को देख करके समझ करके कि हमको क्या करना है और क्या पूछना है. अब हम जब इसमें नेमिंग करने के बाद इसका क्लासिफिकेशन अगर करें तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शरी एल्किल हैलाइड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि उसका यूज़ सपोज़ कीजिए हमने लिखा है यहाँ पे CH3Cl,
या इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो सी एच 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 एंड सी एल। आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो सी एल अटैच है जिस कार्बन पे, उस पर इतनी टाइम 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उस कार्बन पे जिस पे कोई भी ग्रुप लगा है, तो वो कार्बन प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा। और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फिर से देखिए, अगर हम लिखते हैं CH3CH2Br, तो ये भी देखिए इसमें अगर स्ट्रक्चर को ओपन करें, इस कार्बन को ओपन कर रहे हैं CHH और इस साइड से CH3, दिस साइड Br, इसमें भी अभी भी 2 कार्बन्स लगे हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, 2 आर मोर देन 2 हाइड्रोजन, सो दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी। सो दिस इज आल्सो अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड। लेकिन अगर किसी कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगा है और हाइड्रोजन नहीं है, सपोज कीजिए हम लिखते हैं CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CHBrCH3, इस पे इस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन लगा है उस पे 1 हाइड्रोजन है, चाहे आप इसको इस तरह से लिखें या आप इसको इस तरह से लिखें CH3CH2CHBr। आप देख रहे हैं कि इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। तो अभी तक तो हम 2 या मोर देन 2 की बात कर रहे थे, 1 हाइड्रोजन के केस में इसको हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री भी लिख सकते हैं और सेकेंडरी भी लिख सकते हैं। और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है जिस पे कोई ग्रुप लगा है, तो वो हमारा, जैसे हमने एग्जांपल लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3CH3 एंड आई, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है और इसी पे हैलोजन ग्रुप भी लगा है, इसका मीनिंग है स्टूडेंट कि ये आपका जो है टर्शियरी एल्किल हैलाइड का एग्जांपल है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इस तरह से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्किल हैलाइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आप SN1 और SN2 रिएक्शंस में भी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी तरह से भी समझा दूँ कि किस तरह से कभी कभी इस तरह से भी बन के आता है दिस। सो व्हाट विल बी दिस प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी हैलाइड? सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CL, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिस पे आप देख रहे हैं कि ये CL अटैच है। और जब CL अटैच है तो इस पे 2 हाइड्रोजन हैं, CH2 लिखा है, दैट्स मीन इट इज़ अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अगर ये बना है तो इस पोजीशन पे देखिए, जहाँ पे ये ग्रुप लगा है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH नीचे I सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो आप देख रहे हैं इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो ये आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। फिर से देखिए वन मोर एग्जांपल, अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो इस कार्बन पे 4 बॉन्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं, जिस तो आप क्लियर समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस कार्बन पे 1 भी हाइड्रोजन नहीं होगा और ये आपका टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा। अब हम काइरल कार्बन की बात करते हैं, अगर कि काइरल कार्बन क्या होता है एल्किल हैलाइड के केस में, कोई एल्किल हैलाइड है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स है जिसमें 1 हैलोजन लगा हुआ है और वो काइरल है या नहीं है,
तो देखिए, अगर ये कार्बन है, इस पे फोर बॉन्ड हैं, एक पे हाइड्रोजन लगा है, एक पे कोई ग्रुप लगा है H, एक पे CH3 लगा है, एक पे C2H5 लगा है। आप देख रहे हैं इस कार्बन पे फोर बॉन्ड हैं और सारे बॉन्ड में डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस कार्बन को काइरल कार्बन बोलेंगे। काइरल कार्बन, या इसको अनसिमेट्रिकल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं, असिमेट्रिक कार्बन। डियर स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड जिसमें असिमेट्रिक कार्बन पाया जाता है वो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इसलिए काइरल कार्बन का सर्च करना ज़रूरी है। अब जैसे आपसे पूछता हूँ, एंड इन दोनों में काइरल कार्बन किस में है, तो आप डेफिनेटली आंसर देंगे दिस वन, बिकॉज इन दिस कार्बन वन इज़ CH3 ग्रुप, वन इज़ CL ग्रुप, वन इज़ OH ग्रुप एंड वन इज़ दिस लॉन्ग ग्रुप, एंड हेयर यू आर सीइंग वन इज़ CL ग्रुप, वन इज़ H एंड बोथ साइड सेम कार्बन, सो इन दिस नो काइरल कार्बन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशंस हम कैसे करते हैं और क्या मेथड्स हैं? तो एक मेथड आपका है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड हैलोजन एसिड। हम किसी भी अल्कोहल से हैलोजन एसिड की रिएक्शन करा के हेलो एल्केन बना सकते हैं। जैसे आप जानते हो अल्कोहल का जनरल फार्मूला R सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है, और अगर हम कोई भी हैलोजन एसिड, दैट्स मीन HX, जिसमें एसिड हो और हैलोजन हो, उससे रिएक्शन कराएंगे, तो ये आपका OH ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा इस हैलोजन ग्रुप से, और हमारा आज H2CH2 सिंगल बॉन्ड X प्लस H2O विल फॉर्म, दिस इज अल्काइल हैलाइड। दैट्स मीन यू कैन प्रिपेयर एनी हैलोजन डेरिवेटिव्स, दैट्स मीन हेलो एल्केन लाइक क्लोरो मेथेन, ब्रोमो एथेन, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड हैलोजन एसिड। सपोज यू वांट टू प्रिपेयर क्लोरो मेथेन बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मेथेनॉल ले लें और यहाँ पे HCl ले लें और इसको हीट कर दें, सो यू विल गेट CH3Cl प्लस H2O। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर आइडोप्रोपेन, सो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, आपको प्रोपेनॉल लेना पड़ेगा और आइडो ग्रुप लेने के लिए HI का यूज़ करना पड़ेगा, सो यू विल गेट CH2 I प्लस H2O। दैट्स मीन बाय दिस रिएक्शन यू कैन प्रिपेयर एनी ऑफ द अल्काइल हैलाइड और यू कैन से हेलो एल्केन। इन जनरल वी से अल्काइल हैलाइड, वाइल in the IUPAC haloalkane will be called. Now another method for the preparation of haloalkane, this is also by using alcohol. So second reactions mein bhi agar aap chloro derivative banana chahte hain like chloroalkane ya alkyl chloride, so you can use alcohol and फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। आप PCl5 की रिएक्शन से अल्कोहल से क्लोरो एल्केन बना सकते हैं, या अल्काइल क्लोराइड जिसे बोलते हैं। अगर आप रिएक्शन लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज अल्कोहल एंड रिएक्टिंग विद PCl5, सो यू विल गेट RCH2Cl
ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl से एंड POCl3 प्लस HCl विल बी फॉर्म्ड. दिस इज मोस्ट कॉमन रिएक्शन. एग्जाम्पल्स CH3OH, ये मेथेनॉल मैंने लिया है और मेथेनॉल से अगर आप बनाना चाहते हैं क्लोरोमेथेन, सो यू विल गेट CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl. सो डियर स्टूडेंट, क्या सीखना है यहाँ पे कि अगर आप कभी भी OH ग्रुप है और उसको PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो OH ग्रुप रिप्लेस हो करके आपका क्या बना देगा, Cl ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. अनदर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग CH3CH2OH, दिस इज एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ PCl5, यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl एंड प्लस POCl3 एंड HCl. इसमें यहाँ पे टू कार्बन्स थे तो हमने यहाँ पे टू कार्बन्स का डेरिवेटिव्स बनाया है. ये एथेनॉल से एथाइल क्लोराइड, या ये कह सकते हैं कि क्लोरो एथेन आप प्रिपेयर कर रहे हैं. वन मोर एग्जांपल आई एम राइटिंग, दिस इज CH3CH OH CH3, दिस इज प्रोपेनॉल 2 और इसकी रिएक्शन अगर हम PCl5 से करेंगे सो स्टूडेंट्स यू विल गेट CH3CHCl CH3 प्लस POCl3 प्लस HCl. सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस, प्लीज नोट डाउन बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द कन्वर्जन आल्सो. नाउ आफ्टर दिस आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. Haloalkane can also be prepared by the reaction of alkane and halogen. You can say free radical substitution reaction. Suppose you have taken CH4 and you react with Cl2, so you will get in presence of sunlight CH3Cl plus HCl. If you are writing ethane CH3 single bond CH3 plus Br2, so in presence of ultraviolet light CH3 single bond CH2 Br plus HBr. This is another method for the preparation of this one. Dear student, as you know, we are studying about the revision of haloalkane and haloarene. First of all, I have taught to you about the naming, then classification like primary, secondary and tertiary amine. Now we are studying about the preparation of haloalkane and haloarene. Now how you will prepare haloarene? That means, first of all, I want to give some examples of haloarene like this. This is chlorobenzene. Haloarene का meaning क्या है, जब कोई halogen group किसी aromatic ring से attach होगा that will be called haloarene. This is chlorobenzene. ये देखिए, ये हमने यहाँ पर लगाया है, कोई problem नहीं है, आप चाहे first यहाँ पर लगाएं चाहे यहाँ पर लगाएं. This is bromobenzene. Next one is Cl and Cl. This is 1,2-dichlorobenzene. This is 1,2-difluorobenzene, 1,4-difluorobenzene. So these are some example of haloarene. How you will prepare this? The most common reaction for the preparation of haloarene is Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction.
इन द सैंडमेयर रिएक्शन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन, दिस इज डाई एजोनियम क्लोराइड N2Cl, इट विल बी कॉल्ड, इज ट्रीटेड विद Cu2X2 एंड HX. So you will get ring single bond X plus HCl plus N2. Dear student, यहाँ पे हम X की जगह क्या क्या ले सकते हैं? हम Cl ले सकते हैं X की जगह, Br ले सकते हैं. इन दोनों को हम Sandmeyer reaction से prepare कर सकते हैं. If you want to prepare chlorobenzene or bromobenzene, so you can use this Sandmeyer reaction. If you want to prepare bromobenzene, so what you have to write here, हमें यहाँ पे benzene diazonium chloride ही लेना पड़ेगा, ring N2Cl, और यहाँ पे हम Cu2Br2 लें अगर, और HBr लें, जैसे मैंने बोला था कि X की जगह आप Cl ले सकते हैं और Br ले सकते हैं. तो अगर आपने Br लिया है, यहाँ पे भी HBr लिया है, तो यहाँ पे ये सब हटके Br आ जाएगा एंड यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl. और अगर आप यहाँ पे Cu2Cl2 लेते हैं, HCl लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ये हेल्प करती है बहुत सारे कन्वर्जन में. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिससे कि मोस्टली सारी चीज़ें बन जाती हैं, एरोमेटिक जो भी हैं. एक और रिएक्शन है जो बिल्कुल सैंडमेयर से मैच करती है, उस रिएक्शन को हम गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं और एक तरह से वो सैंडमेयर का मॉडिफाइड फॉर्म है. गैटरमैन रिएक्शन गैटरमैन रिएक्शंस में भी हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसमें भी हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम Cu2X2 के बजाय सिर्फ कॉपर का यूज़ करते हैं. और साथ में अगर हमको क्लोरो बनाना है तो HCl लेंगे, ब्रोमो बनाना है तो HBr लेंगे. सो यू विल गेट रिंग Cl प्लस N2 प्लस HCl. और अगर आप यहाँ पे Br लेते हैं, HBr, तो N2Cl इट गिव्स Cu प्लस HBr. तो क्या होगा, ये रिमूव हो करके पार्ट यहाँ पे Br आ जाएगा और यू विल गेट रिंग Br प्लस N2 प्लस HCl. सो स्टूडेंट्स, हमने ये आज हेलो एल्कीन और हेलो एरीन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन किया है. आप इनके रिएक्शंस को प्रॉपरली कीजिए और जो भी रिएक्शंस यहाँ तक मैंने, एक तरह से आप समझिए कि नेमिंग और क्लासिफिकेशन और साथ साथ सम प्रिपरेशन आपको बताई हैं, बाकी प्रिपरेशन आप कीजिएगा. कल लाइव क्लासेस में हम लोग मिलेंगे, तो इनको जो आपके इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो आप डिस्कस करेंगे. ओके, फॉर टुडे इट इज़ इनफ. गुड नाइट.